हेलो गाइस, आज हम अ कपल ऑफ कुकूस के चैप्टर 203 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में एरिका और नागी घर वापस आ गए थे और एंड में हीरो ने नागी को मैसेज किया था कि वो उससे मिलना चाहती है। नागी पूछता है कुछ हुआ है क्या? हीरो कहती है नहीं, मैं बस मिलना चाहती हूँ। वो कल 11 बजे मिलने का डिसाइड करती है। अब अगले दिन वो दोनों मिलते हैं और हीरो को देखते ही नागी मन में कहता है, ये कितनी क्यूट लग रही है यार। और हीरो से घूरते हुए कहती है, कितना टाइम हो गया है, 1 महीना ना। वो उसके मसल्स को छूने लगती है और कहती है, तुम्हारी तो बॉडी बन गई है। नागी ब्लश करने लगता है और कहता है, शायद लेबर वाला काम करने की वजह से। हीरो कहते हैं, थोड़ा फ्लैक्स करो ना। वो उसकी बॉडी से बहुत अट्रैक्ट हो रही थी। नागी को उम्मीद नहीं थी हीरो बॉडी से इतनी ज्यादा अट्रैक्ट होगी। वो कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो, मुझे चिंता हो रही थी। हीरो से स्वीट बफेट चलने को कहती है। नागी कहता है, वहाँ क्यों? हीरो कहती है, व्हाइट डे पे स्वीट्स देने के लिए थैंक्स, बॉम्बो पडिंग बहुत यम्मी था, पर शायद उसका टेस्ट और भी अच्छा होता अगर वो फ्रेश होता। नागी कहता है, हाँ सही कहा। हीरो कहती है, बनाने के 36 आवर्स के बाद मुझे मिला। मैं एरिका और साची से जेलस हूँ वो फ्रेश खा पाई, काश मैं भी वहाँ आ पाती, पर मैं पूरे स्प्रिंग ब्रेक श्राइन के काम में बिजी थी। वो कहती है, नेब्यूला विला बहुत फैंसी है, एक हाई स्कूलर के लिए ये जगह उसकी पहुँच से बाहर होती है। नागी सोच रहा था, ये तो सच है, मतलब ये भी आना चाहती थी। हीरो कहते, मुझे फील हो रहा था जैसे मैं अकेली रह गई हूँ और तुमने अच्छे से बात भी नहीं करी। वो उसे उसका लास्ट मैसेज दिखाती है। नागी कहता है, मैं काम से बहुत ज्यादा थका हुआ था, मैं सच कह रहा हूँ। हीरो मुंह बनाए हुए थी। नागी कहता है, व्हाइट डे के लिए मैं पे बैक करूंगा, मेरे पास अभी बहुत पैसे है। हीरो खुश हो जाती है और उसे होटल लेकर जाती है जहाँ स्वीट्स फेस्टिवल चल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे उसने मेन्यू की सारी स्वीट्स ऑर्डर कर ली थी, उसने पूरा टेबल भर लिया था। नागी कहता है, हम ये सब खाने वाले हैं? हीरो कहती है, हाँ, और कुछ टाइम ब्रेक लेने के बाद मैं और ऑर्डर करूंगी। खाते हुए नागी उसे टेलर का ऑटोग्राफ दिखाता है। हीरो कहती है, तो मतलब उनकी वीडियो में तुम ही थे? नागी हाँ कहता है। हीरो कहती है, काश वो हमारे श्राइन आती तो मजा ही आ जाता, मैं जेलस हूँ तुम उससे मिल पाए। नागी खुश दिख रहा था। वो कहते, लगता है काम करने में तुम्हें मजा आया, मैं तुमसे बहुत टाइम से नहीं मिली, पर तुम बहुत रिफ्रेश लग रहे हो, खुश लग रहे हो। नागी कहता है, मैंने उमिनो फैमिली के साथ फूड सर्विस का काम किया है, पर मुझे लगता है अमानो फैमिली की टूरिस्ट ट्रेड ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे कभी इतना एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ। हीरो कहती है, मुझे लगता है टूरिस्ट ट्रेड तुम्हें सूट करता है। नागी कहता है, शायद, पर मैं सोशल पर्सन नहीं हूँ। हीरो कहती है, मेरा फ्यूचर डिसाइडेड है, अभी तो इसमें मजा आता है, पर पूरी लाइफ ये करना टफ होगा, मेरे आसपास वाले सब यही कहते हैं, पर मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं है। तभी उसे रियलाइज होता है उसने ज्यादा बोल दिया, वो मुंह बंद कर लेती है। नागी कहता है, मैं समझ रहा हूँ। वो कहता है, अगर मैंने ये जॉब करने से पहले तुम्हारी बात सुनी होती तो शायद मैं नहीं समझ पाता। हीरो कहती है, वहाँ तो लोग बाहर से आकर तुमसे काम करने के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन और फोटोज लेने के लिए पूछते होंगे ना? नागी कहता है, हाँ, तुम सच में समझती हो। और हीरो अचानक से कहती है, अगर हम दोबारा डेट करें तो कैसा रहेगा? नागी शॉक हो जाता है। वो कहता है, पर तुमने ही तो मुझे छोड़ा था। हीरो कहते, पर मैं अभी भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तभी नागी को एरिका का मैसेज आता है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? नागी कहता है, ये तो बुरा हुआ। वो हीरो से कहता है, क्या तुम सीरियस थी? हीरो कहती है, नहीं, आज अप्रैल फूल डे है, तुम भूल गए थे क्या? नागी कहता है, एरिका का पेट दर्द हो रहा है, वो एम्बुलेंस बुलाने का सोच रही है, मुझे चिंता हो रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, सॉरी, मैं बिल पे कर दूंगा। और वो हीरो को अकेला छोड़कर चला जाता है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।